हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ एंड आई एम बैक इन गुवाहाटी। तो गाइस आज हम बनाने वाले एग करी, और ये मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ टू ऑल द एग लवर्स आउट देयर। आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको अंडा बहुत पसंद है तो ये एग करी आपका टॉप लिस्ट में रहेगा। ये रेसिपी मैंने खुद क्रिएट किया था, और उसके बाद मैंने जितने भी लोगों को ये एक रेसिपी ट्राई करवाया है, सबको ये करी बहुत ही पसंद आया है। तो आई एम श्योर कि आपको भी ये बहुत ही पसंद आने वाला है गाइस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और ये जो बैकग्राउंड आपको सुनाई दे रहा है प्लीज़ काइंडली इग्नोर कीजिएगा। ये मेरे पड़ोसी फिर से अपना विंडो फिक्स कर रहा है या समथिंग। तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम शुरू करते हैं हमारा एग करी का रेसिपी। गाइस ये मेरा छोटा सा किचन है, और अभी मैंने लिया है यहाँ पे दो अनियन। हमें इसे चॉप 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 करना है गाइस। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक मीडियम साइज टमाटो, गाइस ये देखिए यहाँ पे गार्लिक ग्लोव्स है जो कि 9-10 कुछ लिया हुआ है, और ये बहुत ही छोटा टुकड़ा जिंजर का, और यहाँ पे दो ग्रीन चिलीज। तो ये है गाइस हमारा इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले हम लोग को पैन में ऐड करना है ऑयल, एग को फ्राई करना है, तो इसमें हम थोड़ा सा हल्दी ऐड करेगा और इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से ब्राउन होने देंगे सब साइड से। अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे ये मसाले, एक इलायची, दो लौंग, और ये कुछ दालचीनी। और वंस ये अपना अरोमा अच्छी तरह से छोड़ने लगे, आपको ऐड करना है इसमें अनियन। गार्लिक, जिंजर और चिली पेस्ट करना है, हल्दी, टेस्ट अनुसार नमक। वंस आपका अनियन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए दिखने में और हल्का सा ब्राउन, आपको इसमें ऐड करना है टमेटोस। अभी हम यहाँ में ऐड करेंगे जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और इसे ढक देंगे सॉफ्ट होने के लिए। तो गाइस रिमेम्बर, जब आप ये रेसिपी बना रहे होंगे ना, तो आपको इसे बिल्कुल भी जलने नहीं देना है, बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। इसमें जो एक इंग्रेडिएंट है जो मैं दिखाना भूल गई थी पहले, हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे कि इसका ग्रेवी थिक हो, कंसिस्टेंसी एकदम यम्मी वाला। और तो चलिए देखते हैं अगर हमारा टमाटो सॉफ्ट हो गया है कि नहीं। हाँ ये तो एकदम सॉफ्ट दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी यूज करूंगी। अभी मैं और इसे एक मिनट के लिए ऐसा ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी। चलाने के बाद ये अपना ऑयल रिलीज कर रहा है। तो अभी आपको अपना जो गैस है वो हाई फ्लेम पे रखना है, और ये मोमेंट है जब आपको ऐड करके जाना है मिल्क, थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है, और इसे अच्छी तरह से इसमें इनकॉर्पोरेट होने देना है। और इस तरह से आपको ये पूरा पैकेट दूध ऐड करना है। ये
ये उबलने से पहले हमें इसमें ऐड करना है हमारा एग। हमें 2 मिनट के लिए और पकने देना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा एग करी रेडी है। रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो घर पे बैठे बैठे ज़रूर ट्राई करना, और मुझे जाते जाते लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करके जाना। एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।